नमस्कार दोस्तों, मालदीव छुट्टियां मनाने और घूमने के लिहाज से दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में गिना जाता है। इसकी वजह देश की सुंदरता और चारों तरफ से समुद्र से घिरा होना है। भारत से लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए मालदीव जाते हैं, जिनमें कई नामचीन सेलिब्रिटी भी शामिल है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लक्षद्वीप बनाम मालदीव, किसमें कितना दम है, हमें किस जगह पर जाना चाहिए, दोनों में से कौन सी जगह बेस्ट है, कहां पर जाना आसान होगा, कितना खर्चा आता है। आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो गाइस, इस समय न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में लक्षद्वीप की चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस खूबसूरत जगह पर पहुंचे थे। यहाँ से उन्होंने कुछ खूबसूरत तस्वीरों को भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए थे, तभी से यह फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप से अपने तस्वीरों को साझा करते हुए यह बताने की कोशिश की है कि कैसे ये दुनिया के सबसे खूबसूरत बीच में से एक है। उन्होंने यहाँ की जाने वाली रोमांचकारी और मनोरंजक एक्टिविटी को भी साझा किया है। उन्होंने भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की अपील करते हुए कहा है कि जो लोग रोमांच को पसंद करते हैं उनके लिए लक्षद्वीप टॉप लिस्ट में होना चाहिए। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद सभी लोग लक्षद्वीप की चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से लोग लक्षद्वीप के रुख करने की बात कर रहे हैं, उससे एक सवाल उठने लगा है कि अब मालदीव का क्या होगा। मालदीव भारतीयों की छुट्टी बिताने का सबसे पसंदीदा स्थान रहा है। भारत के फिल्मी सितारे, बिजनेसमैन और नौकरी पेशा लोग भी मालदीव जाते रहे। मालदीव के समुद्री तट भारतीयों को काफी भाते हैं। नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप पहुंचकर एक तरीके से लोगों से सवाल किया कि आखिर मालदीव ही क्यों, लक्षद्वीप क्यों नहीं, जहां कम समय और कम खर्चे में उसी प्रकार का आनंद आप ले सकते हैं। लक्षद्वीप के शानदार समुद्री तट बड़े स्तर पर पर्यटक संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। लक्षद्वीप भी प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के मामले में मालदीव को टक्कर देता है। सो गाइस, आइए आपको आज हम बताते हैं कि आखिर मालदीव के बजाय लक्षद्वीप घूमना कितना सस्ता साबित होगा और वहां पर हमें कौन कौन से नजारे देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह अपने समुद्री तटों और प्राकृतिक खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप में अगर हम घूमे जाने वाले पर्यटक स्थलों की बात करें तो उसमें अगाती, बंगाराम, कदमत, कल्पेनी, कवरत्ती और मिनिका शामिल है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कोच्चि पहुंचना होगा, क्योंकि केरल के इस शहर से लक्षद्वीप की दूरी मात्र 220 किलोमीटर से लेकर के 240 किलोमीटर ही रह जाती है। आप कोच्चि सीधे दिल्ली फ्लाइट पकड़कर भी पहुंच सकते हैं और वहां से आप हवाई जहाज और सड़क मार्ग से आप लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। लक्षद्वीप में केवल एकमात्र एयरपोर्ट है जिसका नाम है अगाती एयरपोर्ट। यहाँ फ्लाइट के जरिए कोच्चि से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम एक वेबसाइट की बात करें ईज माई ट्रिप, तो इसमें लक्षद्वीप को घुमाने के लिए इसमें 7 प्रकार के टूर पैकेज हैं। इनमें से अगर हम एक टूर पैकेज की बात करें जो कि 4 रातों के लिए है, अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें तो आपको 4 रातों के लिए अगर टोटल कॉस्ट इस वेबसाइट पर जो दी गई है वह दिया गया है 47,199 रुपये। यानी कि अगर 4 रातें आप यहाँ पर रुकते हैं लक्षद्वीप में तो आपको 47,199 रुपये पड़ेगा। इसमें जो फ्लाइट का खर्चा है उसको नहीं जोड़ा गया है। अगर आप दिल्ली से लक्षद्वीप की फ्लाइट का खर्चा भी जोड़ लेते हैं तो अमूमन अगर हम इसको खर्चा के देखें फ्लाइट का, तो ये 7,000 रुपये से स्टार्ट होता है। अगर हम फ्लाइट के खर्चे को भी जोड़ ले तो 4 दिन के टूर पैकेज का जो खर्चा पूरा हो जाएगा वह 55,000 रुपये पहुंच जाएगा। यानी कि अगर आप 4 दिन का टूर करते हैं लक्षद्वीप का तो आपका जो टोटल खर्चा पड़ेगा वह नियर अबाउट 55,000 से 60,000 रुपये पड़ेगा। वहीं पर लक्षद्वीप की तुलना में मालदीव घूमना काफी महंगा पड़ेगा। मेक माई ट्रिप वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मालदीव का 4 दिन का टूर पैकेज 2,52,000 रुपये के आसपास में पड़ता है। यानी कि अगर आप 4 दिन का स्टे लेते हैं लक्षद्वीप में तो आपको 55,000 या 60,000 में आपका हो जाएगा। वहीं पर अगर आप मालदीव में 4 दिन का स्टे लेते हैं तो आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में आपको वहां पर जाने के लिए वीजा भी बनवाना पड़ेगा।
आपको एक जानकारी और बता दें कि अगर आपको मालदीव घूमना है तो सबसे बढ़िया समय मालदीव घूमने का नवंबर से अप्रैल का है। वहीं पर अगर आप लक्षद्वीप आ जाते हैं तो सबसे बढ़िया समय अक्टूबर से मई का है। यानी कि दोस्तों त्योहारों की छुट्टियों में घूमने जाने के लिए लक्षद्वीप सबसे बेस्ट जगह हो सकती है। मालदीव और लक्षद्वीप दोनों ही समुद्र के तट पर स्थित है और दोनों ही अपनी बेशुमार खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। करीब 5 गुना कम खर्च में आप मालदीव जैसा और उससे कई गुना बेहतर, कई गुनी अच्छी आनंद आप अपने ही देश लक्षद्वीप में ले सकते हैं। तो फिर इतना पैसा खर्च करके मालदीव जाने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने ही देश लक्षद्वीप में जाएं, वहां पर घूमें और वहां की अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करें, उसको पूरी दुनिया में दिखाएं कि हमारे देश में भी इतना अच्छा टूरिज्म प्लेस है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप में सबमरीन केबल का भी उद्घाटन किया है जो निर्बाध इंटरनेट का वादा करती है। ऐसे में साफ है कि अगर भारत चाहता है कि मालदीव ज्यादा भारतीय न जाए तो लक्षद्वीप में थोड़ा और विकास उसे मालदीव का प्रतिस्पर्धी बना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि हमें किस प्लेस पर अपने वेकेशन को एंजॉय करने के लिए जाना चाहिए? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।